हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और मैं हूँ आकांक्षा, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ लहंगा शेयर करने वाली हूँ, एक लहंगे की अनबॉक्सिंग शेयर करने वाली हूँ मैं आपके साथ, जिसे कि मैंने जोमसो से मंगवाया है। सो ये लहंगा काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है, इसलिए आज मैं आपके साथ इसे शेयर कर रही हूँ। और जो इसका कोड है, प्रोडक्ट कोड है, वो आपको यहाँ स्क्रीन पे मेंशन हो जाएगा, प्राइस भी मेंशन हो जाएगा। और अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, आप वहां जाकर इसे बाय भी कर सकते हैं। तो हमारी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद अच्छी लगती है या थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अगर आप स्किन केयर और हेयर केयर वीडियोज देखना चाहते हैं या फिर मेकअप ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हैं तो मेरे बाकी के दोनों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मैं उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाकर इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको चुन्नी यानी कि दुपट्टा दिखा देती हूँ, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी की मुझे लगी। तो ये कुछ इस तरह की है, इसके भी साइड में आपको इस तरह की टेपिंग मिलेगी, गोटा पट्टी मिलेगी, इस तरह का वर्क मिल रहा है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही महीन वर्क है। पूरे दुपट्टे पे ओवरऑल आपको इस तरह का वर्क देखने के लिए मिलेगा, आप देख सकते हैं पूरे दुपट्टे पे ये वर्क किया गया है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और दुपट्टे की जो फैब्रिक है वो नेट है, बट दुपट्टा काफी अच्छी क्वालिटी का है और जो नेट है वो भी काफी सॉफ्ट है। और पूरे दुपट्टे पे आपको इस तरह की गोटा पट्टी के बाद इस तरह का बूटा वर्क भी देखने के लिए मिल रहा है, जो कि गोल्डन कलर के धागे से किया गया है, जरी वर्क। सो कुछ इस तरह का इसका दुपट्टा है, जो कि बहुत ही सुंदर है। बहुत चौड़ा बॉर्डर इसमें दिया गया है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है इस तरह का। इसे आप किसी अलग पर्पज के लिए भी यूज कर सकते हैं, किसी दूसरे सूट या लहंगे के साथ यूज कर सकते हैं तो भी बहुत अच्छा लगेगा। ओवरऑल ये पिंक कलर का है, बट इस तरह साइड में आपको रेड कलर की गोटा पट्टी मिल रही है, जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर है। पूरे दुपट्टे पे आपको इस तरह का बूटा वर्क भी देखने के लिए मिलेगा, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। सो ओवरऑल ये दुपट्टा कुछ इस तरह का है और लेंथ भी इसकी अच्छी है और काफी ज्यादा अच्छा भारी दुपट्टा है ये। अब मैं आपको इसके साथ जो चोली की फैब्रिक मिल रही है वो दिखाती हूँ। जो चोली की फैब्रिक है वो कुछ इस तरह की है, ये इसका फ्रंट है और ये इसके स्लीव्स हैं, जिसे कि आप ऐड करवाएंगे। सो कुछ इस तरह की, और जो फैब्रिक है वो भी सैटिन की है, जो चोली की फैब्रिक है कुछ इस तरह की है। ज्यादा फैब्रिक आपको नहीं मिल रहा है, आप देख सकते हैं ये थोड़ा साइज में कम है, यानी कि बिल्कुल ब्लाउज जैसे कि सिलवाते हैं उसी तरह से आप इसे सिलवा सकते हैं। सो कुछ इस तरह की है, इस पे भी आपको गोल्डन कलर के धागे से वर्क मिल रहा है, जरी के धागों से वर्क। और ब्लाउज के पास भी आपको इस तरह की टेपिंग मिल रही है, जो कि वर्क ही किया गया है, काफी सुंदर जरी के धागे से वर्क है इसका। मैं आपको पास से दिखा देता हूं। नेक में लगाने के लिए आपको ब्लाउज पीस में ये प्लेन कपड़ा मिल रहा है, जो कि सैटिन का है और मैरून कलर का है। सो फ्रेंड्स, लहंगा कुछ इस तरह का है। मैं इस लहंगे से थोड़ी डिसअपॉइंटेड हुई हूँ, क्योंकि मैंने सोचा था कि इस लहंगे में कैन कैन होगा, बट इस लहंगे में कैन कैन नहीं है। सो ये लहंगा उतना अच्छा लुक नहीं देता है, बिल्कुल स्कर्ट का लुक देता है। इसका कलर बहुत प्यारा है, मैरून कलर का, और जो एम्ब्रॉयडरी की गई है वो भी बहुत अच्छी है। ये इसका अपर पार्ट है, यहाँ पे ये आपको ऊपर में इतनी सारी एम्ब्रॉयडरी देखने के लिए मिलेगी, और पूरे लहंगे पे इस तरह की एम्ब्रॉयडरी आपको देखने के लिए मिलेगी, आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर है ये, इस तरह की बड़ी बड़ी एम्ब्रॉयडरी। और नीचे में आपको जाकर ये सीक्वेंस का वर्क देखने के लिए मिलेगा, जो कि पूरे लहंगे पे है। अगर इस लहंगे में कैनकैन होता फ्रेंड्स, तो ये लहंगा बहुत अच्छा लुक देता, बट इसमें कैनकैन नहीं है। सो मैं आपको बता दे रही हूँ कि अभी ये स्कर्ट का लुक देता है, अगर आप इसमें कैनकैन लगवा लेते हैं तो ये बहुत अच्छा लुक देगा। सो नीचे में जाकर पूरे लहंगे पे इस तरह का बॉर्डर वर्क आपको देखने के लिए मिल रहा है, आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल सा इस तरह की सीक्वेंस वाली वर्क मिल रही है, और साथ में आपको गोटा पट्टी भी मिल रही है ऊपर में और यहाँ नीचे में। और बैक में आपको इस तरह का लाइनिंग का कपड़ा मिल रहा है, जो कि सैटिन का है। सो ये लहंगा ओवरऑल कुछ इस तरह का है, मैं आपको कैमरे पे अच्छे से दिखा देती हूँ। अपर पार्ट इसका ये है फ्रेंड्स, इसे आपको ऊपर से पहनना है। ये इसका बॉर्डर वर्क आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह का पूरे लहंगे पे इस तरह का ही बॉर्डर वर्क आपको देखने के लिए मिलेगा। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको अच्छे से इसे फैलाकर दिखा देती हूँ कि ये लहंगा किस तरह का है। ओवरऑल सब कुछ तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, बट आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह का है। नीचे में इस तरह का सीक्वेंस वर्क वाला आपको बॉर्डर वर्क मिल रहा है, और ये पूरे लहंगे पे इस तरह का वर्क है, जो सिल्वर और गोल्डन दोनों धागों से, जरी के धागों से किया गया है, जो काफ़ी प्रिटी लगता है ये। और जो सीक्वेंस का बॉर्डर मैंने आपको दिखाया वो कुछ इस तरह का है, काफ़ी महीन वर्क है इसमें, बहुत अच्छा ये सीक्वेंस का वर्क है। और ये है दुपट्टा फ्रेंड्स, इसे मैंने डबल फोल्ड किया हुआ है। सो दुपट्टा ओवरऑल पिंक कलर का है, बट साइड में आपको इस तरह की गोटा पट्टी मिलेगी, जैसा कि मैंने आपको बताया। और इस पे भी गोल्डन कलर के और सिल्वर कलर के धागे से वर्क किया गया है, काफ़ी महीन। और मरून कलर का कपड़ा लगाया गया है कॉन्ट्रास्ट के लिए, क्योंकि लहंगा भी हमारा मरून कलर का है। सो काफ़ी अच्छा और हैवी दुपट्टा है ये, और नेट का दुपट्टा है जैसे कि मैंने आपको बताया। और पीछे से भी अच्छे से स्टिचिंग की गई है, ये फंसने नहीं वाला है, आप किसी भी दुपट्टे में या फिर चूड़ी में नहीं फंसेगा। और बूटा वर्क इस तरह का किया गया है इसमें, पास से मैंने आपको दिखा दिया।
सो ओवरऑल कुछ इस तरह का है ये। और बूटा वर्क भी जड़ी के धागे से किया गया है, नेट की फैब्रिक है, सॉफ्ट नेट है ये। और ये है ब्लाउज, ये नीचे वाला जो है वो आपका फ्रंट पार्ट है, साइड्स में आपको स्लीव्स दिए गए हैं और फ्रंट दिए गए हैं। और जो ऊपर में कपड़ा रखा हुआ है जो बिल्कुल प्लेन है वो आपके बैक के लिए है, बैक में आपको बिल्कुल प्लेन कपड़ा मिल रहा है, बैक में कोई भी वर्क नहीं है। और ब्लाउज़ में भी आप देख सकते हैं इस तरह से जड़ी के धागे से वर्क किया गया है काफ़ी महीन तरीके से, पास से मैं आपको दिखा दूंगी। नेक का डिज़ाइन भी बिल्कुल अलग तरीके से बना हुआ है और स्लिप्स के लिए भी आपको नीचे में आप देख सकते हैं साइड साइड में वर्क दिया गया है। सो इस तरह का जो वर्क है ये लहंगे के ब्लाउज़ पे किया गया है जो फ्रंट पार्ट में जाएगा। और नेक भी, नेक लाइन भी बनी हुई है अच्छे से, वी नेक बना हुआ है इस पर ब्राइडल के लिए। और पास से मैं आपको एम्ब्रॉयडरी दिखा दूँ, इस तरह की एम्ब्रॉयडरी देखने के लिए मिलेगी। और नेक का तो डिज़ाइन मैंने आपको दिखाई दिया, सभी पे जरी वर्क किया गया है। सो फ्रेंड्स, अगर ये लहंगा आपको अच्छा लगा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर इसे डायरेक्ट बाय भी कर सकते हैं और कैन अलग से लगवा सकते हैं, इसमें कैन नहीं है। सो ये था मेरा लहंगा। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा लहंगा जिसे कि मैंने जोसो से लिया है। सो अगर ये लहंगा आपको अच्छा लगा है तो आप बाय कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, थोड़ी भी हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।